हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक, आपने एडवर्टाइजमेंट्स पढ़ लिए उसके 6 टाइप्स, उसके बाद इनविटेशन हमने पढ़ लिया, फॉर्मल रिप्लाइज एंड इनफॉर्मल रिप्लाइज। अब अगला टॉपिक आपके आ रहा है नोटिस राइटिंग। तो नोटिस राइटिंग मतलब सूचना लेखन होता है, ये आपके 4 नंबर का टॉपिक है। तो नोटिस जो यहाँ पर पहले तो देखिए मार्क्स लिख देता हूं मैं, मार्क्स 0-4 और इसकी जो वर्ड्स लिमिट होती है वो जाएगी 50-60 वर्ड्स। तो इसकी जो वर्ड्स लिमिट है वो 50-60 वर्ड्स है और जो मार्किंग है इसकी फॉर नंबर्स की रहेगी। तो नोटिस देखिए कैसे लिखा जाता है, किसको लिखा जाता है, कौन लिखता है, क्यों लिखा जाता है। तो देखिए नोटिस एक सूचना होती है। अब सूचना बोले तो उसमें देखिए बच्चों, जैसे किसी भी संस्थान, अब चाहे कॉलेज हो, स्कूल हो, कोई भी कंपनी, कोई फर्म हो या फिर कोई साधारण व्यक्ति हो, आदि के द्वारा अपने संस्थान में काम कर रहे किसी भी कर्मचारी अथवा किसी भी काम करने वाले व्यक्ति को किसी संबंध में अगर कोई सूचना देनी होती है तो उन संस्थानों के द्वारा नोटिस निकाले जाते हैं। अब जैसे स्कूल कॉलेज की माने तो स्कूल कॉलेज में किसी को कोई सूचना देनी होती है तो स्कूल कॉलेज में मेन गेट के पास में नोटिस बोर्ड जरूर लगा रहता है। तो उस नोटिस बोर्ड पर या तो चौक से लिख दिया जाता है जिसके लिए जो सूचना होती है और नीचे उसका नाम भी बता दिया जाता है, या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि जैसे बोर्ड होता है, बोर्ड के ऊपर जैसे मान लीजिए लिखने के बजाय जैसे एक सादा कागज लिया, उस कागज में नोटिस निकाल दिया और उस नोटिस को जाके बोर्ड पे चिपका दिया। भाई बोर्ड पे लिखेंगे तो एक ही नोटिस लिख सकते हैं, जगह नहीं बचेगी। और बोर्ड पर अगर अपन ब्लैंक पेपर्स में लिख के और बोर्ड पर चिपकाएंगे तो 500 नोटिस लग सकते हैं एक बोर्ड पे। तो इनमें क्या है, मतलब किसी भी अपने यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी को संस्थान के बारे में इस टाइम पे भाई क्या बात चल रही है या संस्थान आपको कोई सूचना देना चाहता हो तो ऐसे समय में संस्थान नोटिस निकालते हैं और फिर वो नोटिस आपको जारी होते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ डेफिनेशन लिखता हूं इसकी मैं, यानी कि देखिए बच्चों, नोटिस किसी भी संस्थान के द्वारा, नोटिस किसी भी संस्थान के द्वारा अपने यहां काम कर रहे कर्मचारियों को किसी विषय पर सूचना देने के लिए निकाले जाते हैं। यानी बच्चों, नोटिस किसी भी संस्थान के द्वारा अपने यहां काम कर रहे कर्मचारियों को किसी विषय पर सूचना देने के लिए निकाले जाते हैं। या फिर कोई साधारण व्यक्ति होता है, उसको नोटिस निकालना हो तो वो खुद के स्तर पे निकालता है। जैसे मान लीजिए कॉलेज में आपकी कोई फाइल खो जाए, पर्स खो जाए, तो उसके संबंध में आप नोटिस निकालेंगे तो वो आपके अकॉर्डिंग ही निकलेगा। या तो आप संस्थान या उस कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उनसे जाके कह दीजिए, वो संस्थान के नाम से निकाल देंगे। अगर आप खुद निकालते हैं तो खुद के अकॉर्डिंग आप उसे निकाल कर वहां चस्पा कर सकते हैं नोटिस बोर्ड पर। तो ये इसका इसके डेफिनेशन होती है।
इसके बाद में देखिए इसका प्रोफार्मा होता है। प्रोफार्मा मतलब इसका जो प्रारूप होता है वो कैसा होता है, तो प्रारूप के बारे में समझे। अब प्रारूप क्या है देखिए, प्रारूप आपको बना के बताते हैं इसका। देखिए बच्चों नोटिस में सबसे पहला जो बॉक्स बनता है, इस बॉक्स में आपके आता है दोनों तरफ बराबर जगह छोड़ते हुए इंस्टीट्यूट नेम कोमा और फिर प्लेस नेम, इंस्टीट्यूट नेम कोमा प्लेस नेम आपको पहले बॉक्स में यूज करना है। उसके बाद दूसरी लाइन बनानी है, दूसरी लाइन में आप नोटिस निकालने की डेट लिख दीजिए, हाँ या फिर नोटिस वर्ड लिख दीजिए। तो दूसरी लाइन में देखो नोटिस वर्ड आप लिखेंगे तो बिल्कुल बीच में लिखना है आपको और उसे डार्क करना है, तो यहां पर इस तरह से नोटिस वर्ड आ जाएगा। और उसके नीचे एक बार डार्क लाइन कर दीजिए तो नोटिस बिल्कुल बीच में आता है। इसके बाद तीसरा बॉक्स बन जाएगा। तीसरा बॉक्स जब बनेगा तो तीसरे बॉक्स में आपको क्या करना है, तीसरे बॉक्स में डेट डालनी है कि किस डेट का नोटिस निकला है। जैसे मान लीजिए क्या नाम से, जैसे ये डल गया, जैसे डेट आ गई इसमें जुलाई 03 कॉमा 2020, तो ऐसे आपको डेट के बारे में मेंशन करना है। डेट के बारे में मेंशन करने के बाद फिर चौथी लाइन आ जाएगी, चौथा बॉक्स भी बन जाएगा। तो चौथा बॉक्स बनने के बाद इसमें क्या लिखना है, इसमें आपको सब्जेक्ट लिखना है। जैसे आप लेटर बनाते हैं उसमें सब्जेक्ट देते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी आपको बताना पड़ेगा कि किस विषय पर आप नोटिस निकाल रहे हैं। तो ये छोटे अक्षरों में या बड़े अक्षरों में जैसे आपकी इच्छा हो आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि भाई ये नोटिस फॉर यानी के लिए निकाला जा रहा है, और जैसे आगे लिख दिया फॉर दिवाली वैकेशन, यानी ये नोटिस दीपावली की छुट्टियों के बारे में अध्यापक और विद्यार्थियों को सूचना देने के लिए निकाला जा रहा है। आप देखते हो देखो जैसे आपकी कॉपी होती है, कॉपी में इस तरह का पेज होता है बच्चों, कॉपी में इस तरह का पेज होता है। अब आपकी कॉपी में देखिए ऐसे लाइनिंग भी होती है, तो आपकी कॉपी में ऑलरेडी पहले से ही ऐसी लाइनें आती है। तो जब आप ये चार बॉक्स बनाओगे ना, यानी देखिए पांच लाइन होगी, पांच लाइन में चार बॉक्स बन रहे हैं, तो चार बॉक्स बनाने के लिए देखिए आपकी कॉपी में लाइनिंग तो पहले ही होती है, बॉडी की हो चाहे वर्क करने की हो। तो आपको क्या करना है, बस ये चीजें यूज करके जो वो मतलब आपका जो पेज होता है उसके बीचों बीच आपको नोटिस को बनाना है। तो शुरू की जो ये पांच लाइन है सिर्फ उनको डार्क करना है आपको ऐसे, बाकी इन लाइनों के बाद में जो नीचे लाइनें बचेंगी ये खाली इस जगह, तो इन लाइनों में आपको कोई डार्क लाइन नहीं करनी है, जैसे है वैसे के वैसे आपको छोड़ना है इसको। बस शुरू की ये पांच लाइन है, इनके ऊपर एक बार स्केल लगा के और लाइनिंग करनी है जिससे डार्क हो जाए, अलग से दिखे पांच लाइन, मतलब चार बॉक्स जो है अलग से दिखने चाहिए, उसके बाद आपको डार्क करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपका देखिए इंटरनल पार्ट आता है, इसको आप इस तरह से चीक मेल भी बोल सकते हैं। ये सब आने के बाद में या लास्ट में नोटिस खत्म होने के बाद एक लाइन छोड़ करके आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है नाम, यानी कि किसने ये नोटिस निकाला है, और उसके बाद
आप यहां पर इनकी पोस्ट लिख देंगे भाई क्या है ये, और उसके बाद ये लाइन बंद कर देंगे। दूसरा तरीका ये होता है कि आप पहले पोस्ट लिख दें और उसके नीचे नाम भी लिख सकते हैं, जैसे ये आ गया तो पहले नाम लिख देंगे तो उसके नीचे पोस्ट लिखनी पड़ेगी, और पहले पोस्ट लिख देंगे तो उसके नीचे नाम लिखना पड़ेगा, और नीचे फिर आप लाइन ड्रा कर दें। तो इस तरह का आपका एक परमिट होता है नोटिस राइटिंग का। आप देख लीजिए बच्चों इसको।